मेरा नाम यज्ञ पारिक है, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ। मेरा नीट 2021 में स्कोर सिर्फ 375 था, बट नीट 2022 में वो सीधा 621 पर चला गया। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन CLC ने उस स्कोर के लिए दिया वो था नाइट कैंप के रूप में। मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था जब अपने रूम पे या कहीं और भी स्टडी करता था। मैंने लाइब्रेरी भी ट्राई की, मैंने अपने रूम पे स्टडी करने की भी ट्राई की, मैंने अपने और साथियों के साथ भी ट्राई किया, बट जो ओरिजिनल आउटकम था जो स्टडी का वो सिर्फ नाइट कैंप से आ सका। नाइट कैंप में मैंने 5-6 घंटे कंटिन्यूस स्टडी की, जिससे मेरे मार्क्स में जो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। मेरे आने वाले जो भी मेरे दोस्त साथी हैं उन्हें यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, अपना स्टडी टाइम बढ़ाओ, टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। CLC ने जब तक मेरा नीट का एग्जाम हुआ नहीं था तब तक मेरे 108 टेस्ट ले चुकी थी, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी भी और कोचिंग ने लिए होंगे। जो मेरा नीट का जब पीक टाइम चल रहा था, जब 1 से 1.5 महीना बचा हुआ था, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी मेंटल डिप्रेशन फेस किया। जब मेंटल डिप्रेशन था तो सबसे ज़्यादा जो मेरी हेल्प की वो CLC की फैकल्टी ने की। CLC की फैकल्टी ने मुझसे इंटरेक्ट किया, मुझसे मेरी कमियों के बारे में पूछा और उन्हें सुधार कैसे करना है उसके बारे में मुझे एडवाइस किया। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ गाइडियन, उन्होंने मुझे बहुत ही सही रूप से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। जय CLC, माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मैं आप लोगों से आज एक अनुभव साझा करूंगी अपना, जो मेरा पर्सनल अनुभव था। जब मैं 11th के बाद अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने आई तो मैंने CLC से पहले सीकर के कई कोचिंग मैंने देखा, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पे फैकल्टी और फैसिलिटी की बात तो बाद में आती है, पहले उसको जो चला रहा था वो जिम्मेदार हाथ मुझे दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में मैं CLC आई और मुझे डायरेक्ट बॉस से मिलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आप बच्चे को हमारे पास छोड़ो, हम उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं। और वो जिम्मेदारी और विश्वास का जो परिणाम है वो आज आप सबके सामने, मेरा जो बेटा है वो MBBS GMC सिरोही मेडिकल कॉलेज से कर रहा है। जय CLC, धन्यवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, CLC ने वो हौसला हमारे बच्चे को दिया और आज उसी का परिणाम है कि जैसे नीट जैसा जो कठिन एग्ज़ाम है उसको भी CLC की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको क्लियर करवाया है और बच्चे को कभी भी डिप्रेशन में नहीं आने दिया। जैसे कि हम देखते हैं माता पिता होते हैं वो जब घर में बैठे होते हैं तो अपने बच्चे के बारे में बड़े चिंतित होते हैं, लेकिन जब CLC से की टीम से हम बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमें ये हौसला दिलाते हैं कि आप बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और मैं इनकी पूरी टीम का और विशेष रूप से बोस का और हमारे साथी रतन जी भास्कर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से आज बच्चे को ये मुकाम हासिल हुआ है। थैंक यू।